हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हरियाणा सरकार ने दिसंबर महीने में नए बीपीएल और गुलाबी राशन कार्डों की सूची जारी की थी। अगर उस समय आपका राशन कार्ड बना था या फिर उस समय आपका राशन कार्ड कट गया था, आपका जो राशन कार्ड है जनवरी में बना है या फरवरी में बना है, या फिर दोस्तों आपका जो राशन कार्ड है वो पहले से ही था लेकिन अब आपके पास हरियाणा सरकार द्वारा एक मैसेज भेजा गया है कि लाभार्थी आपका जो राशन कार्ड है वो काट दिया गया है, अब आप बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिए गए हैं, आपका राशन कार्ड रद्द हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो मैसेज है आपके पास क्यों आया है और आपका जो राशन कार्ड है वो किस लिए काटा गया है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, वरना दोस्तों आपको पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले तो वह मैसेज देख लेते हैं जो आपके पास आया है या नहीं आया है, चाहे दोस्तों आपके पास ये मैसेज आया हो या नहीं आया हो। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैसेज में क्या लिखा गया है। प्रिय लाभार्थी, परिवार पहचान पत्र संख्या, यहाँ पर आपकी आपकी फैमिली आईडी दिखा दी जाएगी, के आधार पर आप गरीब बीपीएल श्रेणी के लिए अपात्र पाए गए हैं, आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप इससे संबंधित शिकायत लगाना चाहते हैं तो इस साइट पर यह परिवार पहचान पत्र का शिकायत पोर्टल है, या इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो मैसेज आया है ये किसका आना है, तो यहां पर दोस्तों ऊपर एक फैमिली आईडी आप देख पा रहे होंगे, ये फैमिली आईडी को मैंने ओपन कर रखा है, कहां पर फैमिली वेरिफिकेशन डिटेल ऑप्शन के अंदर। अब दोस्तों, यहां पर आप कैसे आ सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस फैमिली आईडी का अभी तक मैसेज नहीं आया है, लेकिन दोस्तों एक ऐसी ही फैमिली आईडी का मैसेज आया है जिसकी इस फैमिली आईडी की तरह ही समस्या है। अब इस फैमिली आईडी में क्या समस्या है, तो दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इस फैमिली आईडी के अंदर एक बिजली के बिल का एक्सक्लूजन लगा हुआ है, और दोस्तों इस परिवार का जो राशन कार्ड है वो फरवरी महीने में ही बना था, और जिसका ये मैसेज आया है उसका भी इसी के साथ बना था, और यही रीजन उस फैमिली आईडी के अंदर भी है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था चाहे आपके पास मैसेज आया हो या नहीं आया हो, फिर भी जो आपका राशन कार्ड है वो दोस्तों कटने वाला है। अब दोस्तों, इस फैमिली आईडी के अनुसार मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि आपका राशन कार्ड कटने का मैसेज क्यों आया है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इस फैमिली आईडी के अंदर एक बिजली के बिल का एक्सक्लूजन है, और दोस्तों इस बिजली के बिल के एक्सक्लूजन के कारण, इस रीजन के कारण ही आपका राशन कार्ड कट चुका है, आपके राशन कार्ड का कटने का मैसेज आया है। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो बिजली के बिल का रीजन इस फैमिली आईडी के अंदर ऐड है, और दोस्तों यहां पर जो इनकम है, इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स है यानी बिजली के बिल के सोर्स के माध्यम से जो आपकी इनकम है वो सरकार ने 1,80,000 से 2,50,000 समझकर ऑटोमेटिक जो सिस्टम है उसने आपकी इनकम वेरीफाई की है। दोस्तों, ये जो इनकम आप देख रहे हैं ये लोकल कमेटी ने वेरीफाई नहीं की है, बल्कि जो आपका रीजन दिख रहा है इसके कारण जो सिस्टम है उसने ऑटोमेटिक ये जो इनकम है इंक्रीज कर दी है, और ये जो इनकम इंक्रीज हुई है इसके कारण जो आपका राशन कार्ड है दोस्तों वो ऑटोमेटिक सिस्टम ने रिमूव कर दिया है, और आपके पास मैसेज जनरेट होकर आ गया है कि आप बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी आपका राशन कार्ड डाउनलोड हो रहा होगा तो आप ये ना समझें कि आपका राशन कार्ड कटा नहीं है। दोस्तों, जो आपका राशन कार्ड है उस पर खतरा आ चुका है, और जो राशन कार्ड है कट चुका है इसलिए आपके पास मैसेज आया है, और दोस्तों वो इसीलिए कटा है क्योंकि आपका यहां पर जो रीजन है या तो बिजली बिल है या फसल ऐड हो चुकी है या प्राइवेट एम्प्लॉई आप दिखा दिए गए हैं, आईटीआर का एक्सक्लूजन आ गया है, या इसके अलावा कोई अन्य एक्सक्लूजन आ गया है 200 गज प्लाट का, 100 गज प्लाट का, या फिर दोस्तों इसके अलावा भी कुछ एक्सक्लूजन है जिसके कारण आपका जो राशन कार्ड है वो रद्द किया गया है। अब दोस्तों, आशा है कि आप
बात समझ गए होंगे। चाहे आपका राशन कार्ड कटकर अब बना हो पिछले महीने, उससे पिछले महीने बना हो, या दिसंबर महीने में नई सूची आई थी उस समय बना हो, या आपका राशन कार्ड तो पहले से ही था लेकिन अब अपात्रता का मैसेज आया है। दोस्तों मैसेज उसके पास आया है जिसकी इनकम फैमिली आईडी में बढ़ चुकी है। अब जो इनकम है वो 81 से ऊपर आपकी दिख रही है, या फिर आपकी फैमिली आईडी में कोई एक्सक्लूजन रीजन ऐड है जिसके कारण आपका राशन कार्ड कटा है। दोस्तों मेरे पास कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि हमारी फैमिली आईडी में कोई भी एक्सक्लूजन रीजन नहीं है, फिर भी मैसेज आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हो सकता है अभी अपडेट न हुआ हो, इसलिए आपको लग रहा है कि आपका कोई भी एक्सक्लूजन रीजन नहीं है और इनकम भी ज़्यादा नहीं है। दोस्तों आप कुछ दिन इंतज़ार करें, अब ये जो राशन कार्ड का मैसेज आया है, अगर उस समय आपका राशन कार्ड नहीं कटता है तो हो सकता है ये जो मैसेज है वो गलती से जनरेट हो गया हो, और हो सकता है कि अभी एक्सक्लूजन रीजन ऐड ना हो और बाद में वो ऐड हो जाए। तो इससे संबंधित जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपकी फैमिली आईडी में एक्सक्लूजन रीजन ऐड है या इनकम ज्यादा है तो दोस्तों ये न सोचे कि आपका राशन कार्ड नहीं कटेगा अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है। दोस्तों आपका राशन कार्ड 100% कटने का पूरा पूरा चांस है। और बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास मैसेज आया है और दोस्तों अब आप इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, इनकम को कैसे कम कर सकते हैं, एक्सक्लूजन कैसे हटा सकते हैं, तो दोस्तों इससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है कि आप परिवार पहचान पत्र का ये जो ऑफिशियल पोर्टल है इसके माध्यम से आप अपनी ग्रीवेंस कैसे डाल सकते हैं, उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आप ग्रीवेंस डालकर कोशिश करके देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो आपकी शिकायत है वो मुश्किल है इस माध्यम से ठीक होनी, क्योंकि दोस्तों इसके बहुत ही कम में चांस है। जो भी अपडेट आगे रहती है उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।